आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सच तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं आया हूं एक ऐसी लोकेशन पे जिसके लिए मुझे यहां पे बुलाया गया। पहले एक बार आप इस तरफ देखिए, पूरा जंगल ही जंगल है। आवाजें आ रही होंगी आपको, आप देखिए हर तरफ देखिए, सामने की तरफ देखिए, कोई घर नहीं है। वहां दूर एक लाइट जल रही है। 5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, पूरा जंगल है, बेहड़ है। अगर कुछ साउंड्स आपको कैच हो रही होंगी तो शायद आप सुन सकते होंगे, अगर हो रही होंगी तो। 6 बजे के बाद यहाँ पे मना करते हैं कि यहाँ पे कोई ना आए। क्यों ना आए, उसका जो कारण है वो मैं नहीं बताऊंगा, एक भाई से मिलाता हूँ आपको। टाइम बता देता हूँ, ज़्यादा लेट नहीं आया हूँ, 10 बजने वाले हैं, 10 बजे ही आया हूँ। 6 बजे के बाद यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आइए मोहित भाई, थोड़ा सा तेज बोलना। ये मोहित भाई हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। भाई थोड़ी सी आगे आ जाओ, ऐसे घबराओ मत, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है इन्होंने यहाँ पे। तो भाई पहले यहाँ की स्टोरी बता दीजिए, क्या आपने एक्सपीरियंस किया और क्यों मुझे यहाँ पे बुलाया? जी मैं यहाँ पे वो आया था घूमने, यहाँ पे 6 बजे के बाद वैसे भी अलाउ नहीं है, यहाँ पे घूमने आया था। तो मेरा एक फ्रेंड था और हम थे, वो तो फिलहाल है नहीं इस टाइम। तो यहाँ पर जब हम खड़े थे तो यहाँ पर एक इंसान आया, तो उसने बोला मेरे को कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस अपना घूमने आया। तो कह रहा था, थोड़ी तेज बोलो, थोड़ा घूमने आए हैं। तो कह रहा था अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे कहा, चाचा करके बात की थी तो यहाँ पे पास में, तो वो कह रहा था आओ मेरे घर पे खाना वगैरह खा लो। मैंने कहा नहीं, बस मैं घर जा रहा हूँ, मैं बस घूमने आया हूँ। तो वो ज़बरदस्ती कर रहा था मेरे साथ, क्या कह रहा था खाना खा लो चल के, बना लिया है मैंने। तो अच्छा, मैंने कहा नहीं चाचा आप जाओ घर पे, मैं बस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बस हुआ, बताओ, डरो मत, घबराओ मत, बोलो, सामने देख के बोलो, मैं हूँ आपके साथ, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेरा काम ही यही है, खैर बताइए। हाँ, तो जब वो बोल रहा था कि मेरे घर चलो खाना ना, मैंने बना रखा है, तो मैं थोड़ा घबराहट पैदा हुई अंदर से। मैंने कहा नहीं मैं अपने घर जा रहा, तो वो थोड़ा ज़बरदस्ती कर रहा था, तो मैंने कहा मैं बस घर जा रहा हूँ। तो फिर वो थोड़ा जब आगे तक गया तो बस मैं खड़ा रहा, मैं अपनी बातों में था, फ्रेंड के साथ था। तो थोड़ा आगे तक गया तो वो अचानक, मैंने जब अपनी जो बाइक थी, जिस बाइक से आए थे, जो मैंने बाइक स्टार्ट की ना, तो बस वो आगे से, जब मैंने लाइट जलाई है ना, तो वो आगे से बस दिखाई नहीं फिर मेरे को। अच्छा, वो गायब हो गया। गायब हो गया, फिर वो गायब हो गया। तो भाई ने किसी इंसान को देखा जो कि इनको इनवाइट कर रहा था अपने घर पे खाना खिलाने के लिए। तो भाई ने उसे काफ़ी ज़्यादा मना किया, मना करने के बाद जब भाई बाइक लेके आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो इन्होंने देखा कि वो इंसान गायब हो चुका था। इसका मतलब ये है कि वो एक छलावा छिरोटा, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में दिखाया है, वही चीज़ भाई ने एक्सपीरियंस करी। और भाई इतना प्रोफेशनल नहीं है तो भाई को समझना, वो जिस तरीके से इस कहानी को एलोबरेट कर रहा है, तो वाकई मैं भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, काबिले तारीफ है कि भाई हिम्मत जुटा के मेरे साथ यहाँ पे आया और भाई ने ही मुझे बुलाया, मोहित भाई ने मेरे को बुलाया कि भाई आप यहाँ पे चलो। तो आज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई है या नहीं है। और एक बात मोहित भाई ने नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ। भाई कह रहे थे कि एक बार उसने उसको ये बोला कि मैं 1906 में पैदा हुआ था, वो 1906 में पैदा हुआ था। तो अब आपको लोकेशन दिखाता हूँ, इस जंगल बिहड़ के बीच में क्या है। आ जाइए मोहित भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये आप वॉल देखिए, साइड में एक वॉल है, पूरी तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई नहीं आता और ये जगह वाकई हॉन्टेड है। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे आके देखा है रात को, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, लेकिन ये भाई लाइव एग्जाम्पल है इस लोकेशन का।
ये देखिए कुछ बड़ी बड़ी मजारे बन रखी हैं यहाँ पे काफी ज्यादा, और वो दरगाह है यहाँ पे काफी बड़ा है। देखिए कुछ मजारे यहाँ पे ये है, कुछ मजारे वो रही, और सामने ये पीर बाबा का दरगाह है। काफी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जिन भटकता है, जो कि लोगों को भटकाता है। छलावा छिरोटा आप लोकल लैंग्वेज या स्लैंग लैंग्वेज में बोल सकते हैं यहाँ की, लेकिन जिन जो कि यहाँ पे उसकी प्रेजेंस है, किसी जिन की यहाँ पे प्रेजेंस है। जैसा कि मैंने यहाँ पे और रिसर्च किया, मैं यहाँ पे एक दिन पहले आया था, फिर मेरे को लगा कि मैं करूँ या ना करूँ, फिर भाई को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया, मतलब भाई आपको चलना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं चलोगे तो मैं कैसे समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे आए हैं हम, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ। इस तरफ देखिए, देखिए कुत्तों की भौंकने की आवाजें आने लगी एकदम, ये देखिए। और ये देखिए कुछ आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ जंगल और बिहड़ है, सिर्फ जंगल और बिहड़ है। आ जाइए मोहित भाई, ये कुछ मजारे थोड़ा सा पास आके आपको दिखाता हूं मैं, जो कि बहुत पुरानी है, 100 साल से ज्यादा पुरानी है ये मजारे। इसको देख के पता चलता है कि ये कितनी पुरानी होंगी। ऐसी जगहों पे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनकी प्रेजेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात है यहाँ की, वो ये है कि ये एक दरगाह खुद में ही बहुत पावरफुल जगह है, जो यहाँ पे नहीं। बट लेकिन ऐसा हो सकता है, भाई ने बताया कि वो थोड़ी आगे की तरफ थे, पीछे की तरफ थे, मतलब इस तरफ जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, तो उस तरफ भाई को उस बंदे ने अप्रोच किया। तो इस तरफ होता तो शायद, मैं बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे पीर बाबा की दरगाह है, और ऐसा नहीं होता शायद ये पीछे की तरफ थे क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है। तो चलिए हम कुछ नहीं करते, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, और अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। मैं दरगाह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया, लेकिन इस लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आया। सिंपली हम कहीं भी ये प्लेस करते हैं, ईएमएफ मीटर, लाइट बंद कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं। एक सेकेंड, अभी थोड़ा सा जलाना। थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, लाइट को बंद कर देते हैं। मोहित भाई इस तरफ आ जाओ, हम ज़्यादा दूर नहीं, आप हिलना मत वरना ये मोशन सेंसर लाइट जलेगी। इस तरफ आ जाइए, बैठ जाइए, लाइट बंद कर दीजिए। हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कोई है, किसी की प्रेजेंस है कि नहीं है। क्या कोई है यहाँ पे? देखिए कुत्ते भौंकने लगे हैं। क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे सुन सकता हो? अगर वो सुन सकता है तो इस मीटर के पास आइए, अगर आप इसके पास आएंगे तो लाइट जलेगी और मैं जान सकूंगा कि आप यहाँ पे हो, या इस लाइट के पास आइए, इसे छू के दिखाइए तो शायद मैं पहचान पाऊं इस जगह की सच्चाई। अगर कोई है यहाँ पे तो इस लाइट के पास आइए, इसको छू के
अपने होने का दावा कीजिए। अगर आप इस मीटर के पास आएंगे तो मैं जान पाऊंगा कि आप यहाँ पे हो। इस पे 2 या 3 लाइट जला के मुझे दिखाइए। क्या कोई मुझे सुन सकता है? अगर सुन सकता है तो इस मीटर के पास आइए और मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील कराइए। देखिए मोशन सेंसर लाइट जली है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैं हिला नहीं हूँ बिल्कुल, हम काफ़ी पीछे हैं लेकिन अभी तक EMF पे कोई सिग्नल नहीं आया है। आप इस लाइट से दूर जाइए थोड़ा सा। क्या जो मोहित भाई बात बोल रहे हैं वो सच है? अगर सच है तो इस लाइट को जला के दिखाइए फिर से, जैसे कि आपने जलाया। EMF पे सिग्नल दीजिए। जो मोहित भाई बात बोल रहे हैं क्या वो सच है? अगर सच है, कोई भी ऐसी एनर्जी है जिसने मोहित भाई को यहां पे देखा हो? अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब आप यहां पे हो। अब इसे दूर जाइए थोड़ा सा। मैं जान चुका हूं आपने जवाब दिया है और प्लीज मैं आपसे माफी मांगता हूं, हमें हां मत पहुंचाना, हमारे पीछे मत आना, लेकिन EMF पे कोई सिग्नल नहीं दे पा रहे आप इसे लाइट से दूर जाइए प्लीज, आप दूर जाइए इससे। मैं आपसे फिर से बोलता हूं इससे दूर जाइए प्लीज। क्या यहां पे बहुत सारी एनर्जीज हैं? अगर हैं तो मुझे फिर से इस मोशन सेंसर लाइट को टच करके दिखाइए, छू के दिखाइए। इस लाइट के पास फिर से आप आइए अगर यहां पे बहुत सारी एनर्जीज हैं तो, या आप अकेले हैं। जब मैंने बोला अकेले हैं तो शायद यहां पे एक ही लाइट जली है, मतलब तभी लाइट जली है, मोशन सेंसर लाइट तभी जली है। ठीक है, आप अकेले हैं यहां पे। मैं माफी मांगता हूं आपसे कि हमें कोई हार्म मत पहुंचाना, हमारे पीछे मत आना, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे क्या मोहित भाई की जो बात है वो सच है या नहीं। क्या आप चाहते हैं मैं यहां से जाऊं? मैं ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता। क्या आप जिन हैं? अगर जिन हैं तो इस पे लाइट जला के दिखाइए। और अगर आप चाहते हैं हम यहां से जाएं, ठीक है, आप जिन हैं मैं जान चुका हूं, और आप चाहते हैं कि मैं यहां से जाऊं, अब मैं यहां से जा रहा हूं। ठीक है, तो वहां से हम निकल गए। निकलना इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे ही मोशन सेंसर लाइट जल रही थी, EMF सिग्नल नहीं आया, वो पता नहीं क्यों नहीं दिए लेकिन मोशन सेंसर लाइट पे सिग्नल दिए, तो एकदम तेज हवा चलने लगी जो कि मुझे फील होने लग गया। और जैसे ही मैंने बोला कि आप जिन हैं, तो आपको बता देता हूँ जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो छिरोटा छलावा, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो मैंने जैसे ही सवाल किया एकदम स्वेटिंग होने लगी, मेरे सर में काफ़ी तेज दर्द होने लग गया। दूसरा रीज़न ये था, मतलब मेन रीज़न ये था जो अब मैं बताऊँगा। एक्चुअली इसको मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लाया हूँ, ये मेरे साथ आया है तो मैं नहीं चाहता था कि इसकी लाइफ रिस्क पे हो। मुझे कुछ हो जाएगा मैं झेल लूँगा क्योंकि मैं इन चीज़ों से डील कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस हूँ। लेकिन वो नया बंदा जिसने यहाँ पे दिन के टाइम पे ऐसा फील किया, मतलब जो दिन शाम का बीच टाइम था, तो इस टाइम पे रात को आना एक बहुत बड़ी बात है। और उस चीज़ के लिए भाई को मैं सल्यूट करता हूँ, इसकी हिम्मत है। और मैं काफ़ी दूर आया हूँ दिल्ली से, बहुत दूर हूँ। हम कितने किलोमीटर होंगे भाई बता देगा फिर भी एक अंदाज़ा? 250-300 किलोमीटर दूर हूँ। 250-300 किलोमीटर दूर है, नहीं बताऊँगा ये जगह क्योंकि मैं उस दरगाह का नाम ख़राब नहीं करना चाहता, वरना लोग कुछ ना कुछ बातें बनाएंगे, एक्चुअली गलत बोलेंगे, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना। दूसरी बात यह है कि शायद वहाँ पे एक एनर्जी ही थी जैसा कि वहाँ पे मुझे पता चला देख के, और ये तो तय हो गया कि वहाँ पे कुछ था।
डर लग रहा था क्या? डर लग रहा था। हैं? थोड़ी पास आके बोलो भाई, पास आओ। डर लग रहा था। क्या लग रहा था जब ऐसे लाइट जल रही थी, आपको क्या लग रहा था? ये लग रहा था वो छलावा पास से गुजर रहा हो। अच्छा, क्योंकि मैं सवाल ऐसे पूछ रहा था कि आप पास, इसके पास आइए, आप इसे छुइए। तो पहली बार भाई ने देखा ये सब कुछ, भाई मेरा ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, काफ़ी तेज इसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया, और उसके बाद मैंने सोचा मुझे यहाँ से चलना चाहिए। प्लीज़ आप इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना, मैं फिर कभी अकेले आऊँगा, अभी तो नहीं करूँगा, जब थोड़ी सी सर्दी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और कोशिश करूँगा कि मैं और इक्विपमेंट लेके यहाँ पे आऊँ, इसे शूट करूँ। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच मोहित भाई, और यहाँ पे मत आना, मैं ये सजेस्ट करूँगा आप मत आना यहाँ पे, वरना कल को कोई और दिक्कत ना हो। आप छूट गए उस परेशानी से, और वहाँ पे जिन था जैसे कि वहाँ पे मुझे पता चला। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग गाइस, आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो और ऐसे ही प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट पे फॉलो कर लीजिए, सो डैट आपको मेरी लाइव अपडेट्स मिल जाएँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करें, मतलब दबा दें, सो डैट आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएँ, और वीडियोस आती रहेंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ अलग चीज़ करने के लिए वेट कर रहा हूँ। और मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, इस वजह से मैं रुक गया था, और वो वीडियो ज़रूर देखना, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग गाइस। चले मोहित भाई, ठीक है सर, क्या मेरे साथ ही चलना है, चलो।